श्वेता ने एक मैंने कल ही श्वेता को बोला था, परसों शायद, कि इनफ ऑफ लाइज, इट्स नॉट गुड टू लाई। अब श्वेता ने एक और वीडियो डाला है और उसमें उसने लिखा है कि नाउ लेट्स कम आउट विद द ट्रुथ। ठीक है, लेट्स कम आउट विद द ट्रुथ। वीडियो तो आप सबने देख लिया होगा। अब मैं इस वीडियो की आपको पूरी कहानी बता देता हूँ कि क्या है और क्या सच है और क्या झूठ है। मोस्टली सबको तो ये पता ही है कि मई 2020 तब से मुझे मेरे बच्चे से दूर करा गया। 14 सितंबर को मतलब कि ये हाल था कि मैं पुलिस के कभी लोकल पुलिस स्टेशन, कभी कोई डीसीपी, कभी कोई वुमेन सेल, हर जगह जाके मैं कोशिश करता रहा कि कोई मुझे हेल्प कर दे और मेरे बच्चे से मिला दे। खैर, वो हो नहीं सका। नेवरदलेस, मैं आपको दिखाता हूँ कि तब क्या चल रहा था। 14 सितंबर को मेरे बच्चे को, जब अभी मेरे को बच्चे से मिलने नहीं देती थी, शुरू शुरू में तो मैंने मीडिया में बोला भी था कि इसने मेरा ब्लॉक किया था मुझे हर जगह से। बाद में इसने वीडियो कॉल वगैरह अलाउ करी थी, तो मैं वीडियो कॉल वगैरह बच्चे से करता था, और दिन भर, क्योंकि ये तो शूटिंग करती थी। 14 सितंबर को बच्चे को चोट लगी। उस चोट के बाद जब मैं एकदम से, क्योंकि मैं वीडियो कॉल पे था, तो मैं बच्चे से मिलने गया, तो इसने मुझे बहुत चिल्लाया, घर क्यों चले गए वगैरह वगैरह, ये तो शूट पे थी, जाओ निकलो यहाँ से। खैर, मैं चला गया। अगले दिन मैंने कॉल वॉल करने की कोशिश करी, तो मेरे को बताया ना कि बच्चे की चोट को क्या हुआ, वो चोट ठीक हुई कि नहीं, बच्चे को वो भी कैसा है, शी डिडंट टेल मी। मेरे को 100 डायल करना पड़ा और मेरे को पुलिस बुलानी पड़ी। 15 सितंबर को मैं स्टार्ट करता हूँ, 15 सितंबर से। 15 सितंबर को मैंने जब पुलिस बुलाई, उसके बाद मैंने बच्चे से इंटरेक्ट किया। इस वीडियो की शुरुआत में आप ये जो अभी क्रॉस किया था आपको, ये पुलिस वाले खड़े थे। सो दिस वाज ऑन द 15th ऑफ सितंबर। फिर क्या हुआ? फिर 20th ऑफ सितंबर को शी फेल इल विद कोविड एंड शी सेंड द बेबी टू मी। बेबी मेरे पास रहा। 14 दिन वैसे भी वो क्वारंटाइन में थी। क्वारंटाइन के बाद शी ट्राइड कि अब बच्चा उसके पास जाए। मैंने कहा हाँ जाए, क्यों ना जाए, तो मैं बच्चा उसको भेजता था। पर स्लोली स्लोली व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज कि बच्चे ने जाने से इनकार करना शुरू कर दिया। अराउंड 11th ऑफ अक्टूबर, तो ये जो आपको मैं आपको क्रोनोलॉजी ज़रा समझा देता हूँ, ये जो वीडियो श्वेता ने पोस्ट किया है, ये 24th ऑफ अक्टूबर का है। 25th ऑफ अक्टूबर से आपको ऑलरेडी पता ही होगा, और मैं बता चुका हूँ कि श्वेता बच्चे को लेके गायब हो गई थी। उसके बारे में मैं आपको आके बताऊंगा फिर हिबिस्कॉपस का क्या हुआ। अभी हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। 15 सितंबर का आपको मैंने वीडियो दिखाया, जब बच्चा मुझे अलाउड ही नहीं था मिलना, और किसने क्यों अलाउड नहीं था, नॉट लीगली, कोई लीगल राइट नहीं था। मैं ही पेशेंटली बस चाह रहा था कि या तो ये समझ जाए अपने आप, या मुझे पुलिस हेल्प कर दे। और मैं बस जैसा ये बोले, जब भी वीडियो कॉल कराए तब वीडियो कॉल कर पे बात करूं, जब ऐसा करे, आई वॉज ट्राइंग टू बी एज नाइस एंड एज एमिकेबल एज पॉसिबल। खैर, इट डिडंट वर्क। एनीवेज,
कमिंग टू दी 11th of October, 20th of September को मेरे पास आता है. करीबन 14 दिन तो बिल्कुल ही श्वेता नहीं मिल सकती थी क्योंकि उसको कोविड था. उसके बाद से जब बच्चा वो लेके जाने लगी, एक दो दिन रहा, फिर उसके बाद बच्चे ने मना कर दिया. देन ऑन द 11th of October अपनी माँ से मिले. नेक्स्ट इज ऑन द 16th of October. ये 11th अक्टूबर दिखाया आपको, पहले 15th सितंबर दिखाया था. ये 11th अक्टूबर है, 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद जब बच्चा मेरे पास ही है और उसको जाने का मन नहीं कर रहा है. देन वी कम टू 16th of October. तो शी वॉज मतलब कि वो रोता था. ही वॉज नॉट एट ऑल विलिंग टू गो, ही यूज टू क्राई. सो शी वॉज ट्राइंग टू कॉल हिम. ये अपना 16th अक्टूबर था, बट ही क्राइड, ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो. उसके बाद ही वो रोया, उसके बाद जस्ट आफ्टर सम टाइम.
So this was on the 16th of October. Then आप लोगों को पता है कि श्वेता had gone on holiday, एक resort उसने अपने Instagram पे काफ़ी promote किया था, कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, she had gone on a holiday. तो she was really trying very hard कि बच्चा उसके साथ जाए, और मेरे को basically मेरे को मेरे लड़के को लेके सच में ऑनेस्टली मुझे पता है कि वो मुझे प्यार करता है, और मुझे ये तो पता ही है कि मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरा प्यार ही उसको हमेशा खींचेगा. खैर, तो वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि द चाइल्ड शुड गो विद हिम. अच्छा, सो देन ऑन द 17th शी वॉज सेंडिंग मी मैसेजेस एंड शी वॉज सेइंग के प्लीज यू आस्क हिम, यू कन्विंस हिम. एंड आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आई कैन कन्विंस हिम. सो आई विल जस्ट लॉग इन टू माई आई क्लाउड, बिकॉज मैं इस आईफोन से ही आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ. Give me a second because I want to show you on the 17th of October what happens. Dekhiye, actually, honestly, I would suggest to all the men, and mereko koi bias nahi hai waise. Honestly speaking, I don't want the law to be biased even towards men. Right now, it is biased towards women. बट मैं हर एक किसी को ये एडवाइस देता हूँ कि आप लोग ज़रूर वीडियोस बनाएं, चाहे कुछ भी हो जाए. यही आपको किसी के झूठ बोलने से आपको बचा सकते हैं. वरना क्या होता है कि कोई ईजिली आपको मिसलीड, आपके कोर्ट को या मीडिया को मिसलीड कर सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड ऑलवेज be well prepared, and that is why it is important. आजकल technology it is so good. आपके पास, सबके पास हाथ में phone होता है और video बना सकते हैं, बहुत ज़रूरी है. कभी भी झूठ मत बोलो, एंड झूठ बोल के तो लड़ाई करने की कोशिश मत करो, क्योंकि सच्चाई तो सामने आएगी. ऑनेस्टली सॉरी, वो लॉगिन का मेरे को पासकोड आया था, दैट्स व्हाई ये पॉज हुआ. कमिंग बैक टू द 17th अक्टूबर, तो शी वाज गोइंग टू दिस रिजॉर्ट, एंड उस रिजॉर्ट पे जाने के लिए शी वाज मैसेजिंग मी, जो मैंने मैसेज कोर्ट में भी अपने पिटिशन में डाला है, इन विच शी वाज सेइंग दैट यू ट्राई एंड टॉक टू हिम एंड ask him to come, so which I was doing and which I will show you, but he was not agreeing on his own. I will just show you 17th of October. I have shown you 11th of October, 16th of October, two videos. Now we come to 17th of October. So I am showing you day wise, because 24th वो ऐसे दिखा के ये किया, और वो भी झूठा है, उसमें भी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें भी सच्चाई क्या है. जो 24th की जो डाली है, कुछ कुछ सेलिब्रिटीज भी रिएक्ट कर रहे हैं. आई एम सरप्राइज कुछ लोगों को मैं बहुत बहुत ही सुलझा हुआ समझता था. आई एम सरप्राइज, बट ठीक है. 17th ऑफ अक्टूबर,
वॉल्यूम, एक सेकेंड, एक्चुअली अभी देखते हैं अभी वॉल्यूम आया क्या। शायद मम्मी आएगी फिर से तुमको बोलने के लिए, अपने साथ जाने के लिए होटल। तुमको जाना है? नहीं। ठीक, बोल देना मम्मी को। शायद मम्मी सो दिस वाज So this is on the 17th of October. Then, on the 18th of October, nevertheless, baby did not want to go with her. She tried to come and convince. And मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा videos में. Even the thing was that I used to let her come home. Get your child, convince him. There is no this thing. He's a बच्चा है, अगर उसका मन कर रहा है अभी आने का। मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं I'm not at all letting you come also and talk to the child also and all that. I'm letting you come, talk to the child. Nevertheless, then it had become such that the baby would always not even let me go anywhere for a minute. For example, जैसे मैं खाना खा रहा था, मेरे को सिर्फ सब्जी लानी थी, but he had become so पापा का लाडला spoiled के he would not let me go even for a second. So he had become inseparable, and it was but natural, क्योंकि from May onwards he had been totally removed from my company. So when he got my company, there was no doubt it was a natural process. Nevertheless, then what happens is that Shweta tried के जो local police station है, if they can convince me and if I send the baby, and I said that I have no problem in sending the baby. Shweta has been coming home and trying to even convince the child. So it is none of my this thing. He can go if he wants to. I have no problem. So the police had come home. In front of the police, imagine this boy. I'll just show you. Post video at 151. सो इवन द लोकल पुलिस स्टेशन नोज, ये पुलिस स्टेशन वाले आए हुए हैं एंड उनके सामने द चाइल्ड इज आस्क्ड एंड ही सेज नहीं, मुझे नहीं जाना है। आफ्टर दैट he had as I was saying ke he had become such that even if I would go to the bathroom he would sit outside. Wo bahar baithta tha jab main bathroom jata tha. this was his love for me, this was his attachment, this is what the situation was. And this is on the 20th of October. ये 24th of October की इसने आज जो let the truth come out, और श्वेता ने बोला था let the truth come out. मैंने तो कल ही बोला था श्वेता को कि enough of lies, क्योंकि मैंने आज तक बहुत बातें श्वेता की जग जाहिर नहीं करी. But श्वेता is bent upon, जैसे आज for example today is the third day, fourth day,
मेरे को मेरा बच्चा नहीं मिला ना।